दो दिन की तेजी के बाद आज फिर दिखी बाजार में कमजोरी। निफ्टी 226 अंक गिरकर 15,413 के पार हुआ बंद। सेंसेक्स 709 अंक से ज्यादा टूटकर हुआ बंद। बैंक निफ्टी में भी दिखी गिरावट। ग्लोबल ग्रोथ की चिंता और अमेरिका में गैसोलीन टैक्स में राहत की उम्मीद से कच्चे तेल में नरमी बढ़ी। ब्रेंट 5% गिरकर $109 तक फिसला। 12 मई के बाद सबसे निचला स्तर। क्रेडिट ग्रोथ को लेकर बुलिश बैंकिंग दिग्गज। इंडसइंड बैंक के एमडी और सीईओ सुमंत कथपलिया ने कहा कि सीवी सेगमेंट में अच्छी रिकवरी, महंगाई का कैपेक्स पर नहीं होगा असर। एचडीएफसी बैंक ने सालाना रिपोर्ट में कहा चालू वित्त वर्ष में खोलेंगे 2000 नई ब्रांचेस। डॉलर के मुकाबले रुपए में रिकॉर्ड कमजोरी। एक डॉलर का भाव ₹78.39 हुआ। फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो के शेयर 4% हुए मजबूत। बीएसई पर ₹68 पहुंचा शेयर। 24 जून को ब्लिंकिट के अधिग्रहण पर विचार। महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल के बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हुए कोविड पॉजिटिव, हॉस्पिटल में हुए भर्ती। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भी हुए कोरोना पॉजिटिव, कांग्रेस नेता कमलनाथ ने दी जानकारी। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने की कैबिनेट मीटिंग। ठाकरे सरकार के 8 मंत्री मीटिंग में नहीं हुए शामिल। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक के बाद बोले राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात, कहा कोविड की स्थिति और दूसरे मुद्दों पर हुई चर्चा, महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट पर नहीं हुई कोई बात। शिवसेना की आज शाम की बैठक के लिए जारी किया गया व्हिप, विधायकों को दी चेतावनी, बैठक में शामिल नहीं होने वाले विधायकों की रद्द हो जाएगी सदस्यता। महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, कहा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता ही तो जाएगी, हमारे लिए पार्टी की प्रतिष्ठा सबसे ऊपर है। शिवसेना नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर दिया बयान, कहा मौजूदा राजनीतिक हालात विधानसभा भंग होने की तरफ बढ़ रहे हैं। संजय राउत बोले सत्ता जाएगी तो फिर आएगी शिंदे से, तब बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र संकट पर बोले संजय राउत, उद्धव शिंदे के बीच नहीं कोई मतभेद, आज सुबह ही शिंदे से हुई बातचीत। संजय राउत ने कहा जल्द शिवसेना विधायक मुंबई लौटेंगे, एकनाथ शिंदे हमारे पुराने साथी, हम कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। महाराष्ट्र के सियासी हलचल पर कांग्रेस नेता कमलनाथ का बड़ा बयान, कहा सरकार गिराना बीजेपी की पुरानी आदत। कमलनाथ ने कहा मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने यही काम किया था, बीजेपी का रवैया गैर संवैधानिक। कमलनाथ बोले देखना शिवसेना अपने एमएलए को कैसे मनाएगी, कांग्रेस के एमएलए बिकाऊ नहीं है। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने किया दावा, उनके साथ हैं 46 विधायक। आदित्य ठाकरे ने ट्विटर बायो से मंत्री पद हटाया, बायो हटाने के बाद और बढ़ी हलचल। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में नहीं शामिल हुए आदित्य ठाकरे, दोपहर 1 बजे हुई थी मीटिंग। महाराष्ट्र में जारी है सियासी उठापटक, निर्दलीय विधायक गीता जैन ने बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात। ईडी के सामने पेशी से पहले सीएम उद्धव ठाकरे से मिले मंत्री अनिल परब, मनी लॉन्ड्रिंग केस में कल भी हुई थी पूछताछ। शिवसेना के मुखपत सामना में बीजेपी पर जमकर प्रहार, शिंदे की गर्दन पर बैठकर ऑपरेशन कमल खिलाना चाहती है बीजेपी। महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील को शरद पवार और उद्धव ठाकरे की फटकार, बागी विधायकों के मुंबई से जाने पर नाराजगी, पूछा विधायकों के बाहर जाने की जानकारी क्यों नहीं।
26 से 28 जून तक जर्मनी और यूएई के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के निमंत्रण पर श्लोज एलमाउ में होने वाली G7 शिखर बैठक में होंगे शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने आवास पर यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के 10 टॉपर्स छात्रों से की बातचीत। इस दौरान सीएम योगी ने छात्रों के सवालों के भी दिए जवाब। सोनिया गांधी से पूछताछ से पहले सभी सांसदों विधायकों को बुलाया दिल्ली। अशोक गहलोत ने कहा ईडी की पूछताछ के दौरान दिखा तानाशाही का रिहर्सल। कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए राहुल गांधी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी अब तक 5 बार राहुल गांधी से कर चुकी है पूछताछ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोले राहुल गांधी, किसानों के बारे में हमने कहा था कि मोदी जी को किसान बिल वापस लेना पड़ेगा। अग्निपथ योजना को भी मोदी सरकार को वापस लेना पड़ेगा। हिंदुस्तान का हर युवा हमारे साथ इस काम में खड़ा मिल रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में मामले में पूछताछ के को लेकर सोनिया गांधी ने ईडी को लिखा खत। सोनिया ने पत्र में 23 जून के समन को स्थगित करने की मांग।